मसाला डोसा का मसाला बनाने के लिए हमें लगने वाला है तेल। अब हम तेल डाल रहे हैं, पैन मेरा गरम है, थोड़ा सा गरम होने देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी राई, राई को पकने देंगे। हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, जादी कड़ी ली बहुत अच्छा टेस्ट देगा। मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है। बस 2 मिनट हमें ऐसे ही पकाना है, उसके बाद हम डाल देंगे अनियन। तो अब हम डाल देंगे अनियन, अनियन को हमें पकाना है। मैंने क्यूब क्यूब काट लिया, आप चाहें तो लंबी लंबी भी काटेंगे तो अच्छा लगेगा। इसे थोड़ा पकाएंगे हम, जल्दी से पकने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो गया है, ये बहुत अच्छा पक चुका है। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मैश किए हुए पोटैटो। फ्रिजल बहुत अच्छी आ रही है करी लेने की। इसे हम अब अच्छे से मिला लेंगे। हमें ना 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही गैस के फ्लेम पे रखना है, मीडियम फ्लेम पे मतलब। हो गया है, ये 2 मिनट हो गया है और ये रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे कोरिएंडर, धनिया और थोड़ा सा
नींबू का जूस। इसे चला लेंगे हम। बहुत ज़्यादा टेस्टी, अगर साउथ में खाया होगा तो स्पेशली ये साउथ के जैसा ही मैंने बनाया है। आप इसे देख सकते हैं ये कितना यम बना है। तो अभी हमारा रेडी है, अब हम बनाने जा रहे हैं डोसा। डोसे के लिए मैंने पैन रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। अब मैंने एक अनियन लिया है जिससे मैं ऑयल लगाऊंगी। इससे हमारा डोसा इस पर चिपकेगा नहीं। अच्छे से लगा लेना हमें। ठीक है, ये मैंने अच्छे से लगा लिया है। तो अब मैं इसमें इसे नीचे से पूरा पकने देंगे हम। एक डोसा बनने में 5 मिनट लगता है, तो मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दें। थोड़ा ऑयल डाल देंगे। बोलिए ना। और तीसरा तरीका था प्रचार। वियतनाम के वीडियो की चर्चा दुनिया भर में हुई, बल्कि इसको हम धीरे धीरे साइड से निकालेंगे। ज्यादातर प्रतिभाशाली नौजवान अब कोरोना बीमारी को लेकर एक्टिंग करने में मजाक में बदल चुके हैं। उससे पता चलता है कि अब वो इस बीमारी को किस रूप में देख रहे हैं। उनके लिए ये बीमारी या जो काला बनती हुई है सिर्फ नौटंकी का या गैर जिम्मेदार होने का। मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। देखिए, अगर मुझे पलटना नहीं रहता तो मैं ऐसे ही रखती 2 मिनट और उसके ऊपर मसाला डाल देती। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड से पकाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखिए कि संख्या बढ़ गई, लेकिन जो साधन संपन्न लोग परेशानी अब उन तक पहुंचने लगी। उन्हें अब तक लगता था उनके पास पैसा है, संपर्क है, उसको अपना इंतजाम करने में। तो मुझे एहसास दिया अब पैसा संपर्क ये सब महत्व नहीं हो। इसमें आलू डाल के दिखाऊं कि इसमें डाल के निकाल दूंगा। डोसा मेरा रेडी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि COVID-19 के संक्रमण होने पर सांस की तकलीफ होती है। तो अब मैं इसे निकाल के आप लोगों को अब अपने चटनी के साथ सर्व करके बताने वाली हूँ। तो मेरा डोसा तो तैयार है, देख लीजिए आप। अब मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ।
तो तैयार है मेरा मसाला डोसा। मैंने मसाले और चटनी के साथ किया है। ये अनियन टमाटो चटनी है। अगर आपको ये देखना है कि कैसे बनाना है तो ये मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। तो आपको ये मेरा मसाला डोसा कैसा लगा रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए जल्दी से। और मुझे बताइए कि आपको किस टाइप की रेसिपी चाहिए, तो मैं वैसा बनाऊँगी। थैंक यू आज के लिए।